अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन क्या हाल है, उम्मीद है आप लोग सब खैर वाफियत से होंगे। दोस्तों पश्तो लर्निंग कोर्स में खुश आमदीद। सो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कुछ सवाल या जुमले सीखेंगे पश्तो ज़बान में। अगर ये जुमले आप लोगों ने सीख लिए तो आप पश्तो ज़बान में किसी के साथ भी सवाल और जवाब कर सकते हैं या फिर उससे मुख्तसर बातचीत कर सकते हैं सवाल और जवाब की सूरत में। तो टाइम इसके बगैर चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को एक बात बताते चलूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल लाला इमरान को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली उसे सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियोस आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन के ज़रिए पहुंच सके। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हम अगर किसी अपने यार दोस्त या फिर रिश्तेदार से मिलते हुए उससे पूछते हैं कि आप कहाँ रहते हो तो इसको पश्तो में कहेंगे त चरता उसेगे या फिर त चरता पातिकेगे। उसके बाद अगर हम पश्तो ज़बान में किसी से एज पूछते हैं यानी कि आपकी उम्र कितनी है तो उसको हम इस तरह से कह सकते हैं कि तुम्हारी उम्र कितनी है तो इसको पश्तो में कहेंगे स्ता उम्र सुमरा दे। तुम्हारी का मतलब है स्ता। उम्र को पश्तो में भी उम्र ही कहते हैं। कितनी है इसका मतलब है सुमरा दे। कितनी का मतलब है सुमरा। नेक्स्ट आता है हमारे पास तुम क्या कर रहे हो, यानी अगर आप किसी से सवाल करते हैं कि तुम क्या कर रहे हो तो इसको पश्तो में कहेंगे त सकवे। तुम का मतलब है तो, क्या कर रहे हो सकवे, क्या का मतलब है स, कर रहे हो इसका मतलब है कवे, तुम क्या कर रहे हो त सकवे। नेक्स्ट अगर तुम्हारी जगह पर कोई बैठ जाता है तो अगर आप उसे पश्तो में कहते हैं कि तुम क्यों बैठ गए तो इसको कहेंगे त वले के नास्ते। तुम का मतलब है तुम, क्यों को पश्तो में कहते वले। बैठ गए इसका मतलब है के नास्ते, तुम क्यों बैठ गए तो वले के नास्ते। उसके बाद अगर तुम्हारे घर पर कोई आ रहा है और आप उससे पूछते हैं कि क्या तुम हमारे घर आओगे तो इसको पश्तो में कहेंगे आया त जमुंग कोरता राजे। घर को पश्तो में कहते कोर। आओगे इसका मतलब है राजे। नेक्स्ट अगर आप किसी से सवाल करते हैं कि तुम ये काम क्यों करते हो तो इसको पश्तो में कहेंगे त दाकार वाले कवे। ये का मतलब है दा। काम को पश्तो में कहते कार। क्यों करते हो वले कवे। क्यों का मतलब मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि क्यों का मतलब है वले। नेक्स्ट अगर आप किसी के साथ शादी के मुतालिक बातचीत करते हैं और इसी दौरान आप उससे पूछते हैं कि आप शादी क्यों नहीं करते तो इसको पश्तो में इस तरह से कहेंगे कि त वा द वले न कवे। आपका मतलब है तो। शादी को पश्तो में कहते वादों। क्यों नहीं करते वले न कवे। आप शादी क्यों नहीं करते तो वादों वले न कवे। नेक्स्ट जो बंदा शादी पर नहीं जाता तो आप उससे अगर पूछते हैं सवाल के तौर पर कि आप शादी पर क्यों नहीं गए तो इसको पश्तो में कहेंगे तप वादा वले न लाड़े या फिर तवादता वले न लाड़े। शादी का मतलब है वादों, क्यों नहीं गए वले न लाड़े। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी था। ये थे कुछ सवालिया जुमला
जो बातचीत के मुताबिक हम एक दूसरे से पूछते हैं। तो मैंने आप लोगों को पश्तो ज़बान में सिखा दिया है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।